हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रहे हैं घुगनी। बिना प्याज और बिना लहसुन के आज हम घुगनी बनाएंगे। कोई भी पूजा हो, जब प्योर वेज खाना होता है, तब आप इस घुगनी को जरूर बनाइए। रोटी, पराठा या लूची के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, झटपट रेसिपी देख लेते हैं। ढाई सौ ग्राम मटर को अच्छे से धो के ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दिए थे। कुकर में डाल देंगे भिगोया हुआ मटर, डाल देंगे दो ग्लास पानी, एक टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। ढक्कन बंद करेंगे और दो सीटी आने देंगे। कढ़ाई में डालेंगे एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून धनिया और दो सूखा लाल मिर्च। दो मिनट के लिए स्लो फ्लेम में भुनेंगे। मसाले का कलर हल्का चेंज हो गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे। मसाले को दरदरा सा पीस लिए हैं। दो टमाटर, एक बड़े टुकड़ा अदरक और दो हरी मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का प्यूरी रेडी है। मटर को एक बार चेक कर लेते हैं, मटर अच्छे से पका है कि नहीं। मटर एकदम परफेक्ट है। कढ़ाई में डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून सरसों के तेल, दो टुकड़ा तेजपत्ता, दो सूखा लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा। 5 से 7 सेकंड के लिए भुनेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हाफ कटोरी नारियल डाल देंगे। 8 से 10 सेकंड के लिए नारियल को भुनेंगे। नारियल का कलर हल्का चेंज हो गए हैं। दो मीडियम साइज के आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, डाल देंगे आलू। आलू को अच्छे से मसाले के साथ भुनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। आलू के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए भुनेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एक आलू को काट के देख लेते हैं। आलू अच्छे से पक चुके हैं, अब डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्ची को मिक्स करते हुए 8 से 10 सेकंड के लिए भुनेंगे। डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर। आलू के साथ अच्छे से मसाले को मिक्स करते हुए भुनेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब डाल देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। डाल देंगे 1 टेबल स्पून भुना हुआ मसाला। अच्छे से मिक्स करते हुए 8 से 10 सेकंड के लिए भुनेंगे। डाल देंगे उबला हुआ मटर। मटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे हाफ ग्लास पानी। 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में घुगनी को उबालने देंगे। घुगनी को उबालते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब डाल देंगे हाफ टी स्पून चीनी। चीनी डालने से घुगनी का टेस्ट बहुत बढ़िया आते हैं। चीनी को घुगनी के साथ मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए और उबालने देंगे। घुगनी एकदम रेडी है, गैस को कर दिया है बंद। घुगनी के ऊपर डाल देंगे दरदरा सा पिसा हुआ भुना मसाला। इसके बिना घुगनी बिल्कुल अधूरी है। खाइए, खिलाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।